नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। अगर कुछ हासिल करने का जुनून हो, लगन हो और मेहनत, तो सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये साबित कर दिखाया है मणिपुर की एक बेटी ने। पिता किसान थे, घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हौसले के साथ मंजिल की तरफ कदम बढ़ाती रही। विरोधियों पर बिजली की गति से पंच की बरसात करने वाली ये बेटी आज 5 बार की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है और दुनिया उसे मैरी कॉम के नाम से जानती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जिस मैरी कॉम का जिक्र करना नहीं भूले थे, और थाईलैंड की सरकार जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना चुकी है। मुक्केबाजी की ये बादशाह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में भारत का परचम लहराने वाली मैरी कॉम अपने बचपन के दिनों में 2 जून रोटी को मोहताज थी। क्या आप जानते हैं, बॉक्सिंग की दुनिया में दस्तक उनकी कुछ पैसा कमाने की एक कोशिश भर थी। क्या आप जानते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंची ये बेटी मणिपुर के एक छोटे से गांव में भाई बहनों में सबसे बड़ी बेटी थी। वो बेटी जिसे परिवार ने बॉक्सर बनाने की कल्पना कभी नहीं की थी। मणिपुर के चुरचांदपुर जिले के कंथगई गांव में गरीबी की मार झेल रहे एक किसान के घर जन्म लेने वाली मैरी कॉम खेतों में काम कर माता पिता का हाथ बंटाती थी, तो छोटे भाई बहनों की देखभाल उनकी जिम्मेदारी थी। पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सामाजिक पाठशाला को वे बखूबी समझती थी। यही वजह है कि मणिपुर के डिंको सिंह ने बॉक्सिंग में मेडल जीता, तो इस बेटी ने भी कुछ ऐसा ही करने की ठानी। 1999 के उस दौर में जब वे 16 साल की थी, स्थानीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग करने वाली लड़कियां उन्हें आकर्षित करती थी। लेकिन परिवार को बेटी का ये सपना बेमानी लगता था। कोई आदिवासी लड़की इस तरह खेलों में आगे आए, ये सहज नहीं था। विरोध हुआ, लेकिन मैरी अपनी जिद पर अड़ी रही। इस बेटी ने खेतों से निकलकर बॉक्सिंग रिंग का रुख किया। भारतीय खेल प्राधिकरण के मणिपुर स्थित परिसर में दिन रात पसीना बहाया, पंच मारने की अथाह प्रैक्टिस की। नतीजा ये हुआ कि महज 2 साल बाद 18 साल की उम्र में वे नेशनल वेमेंस बॉक्सिंग चैंपियन बनी। एक आदिवासी बेटी के लिए ये चांद पर जाने से कम नहीं था, और 2001 के बाद मैरी कॉम ने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जितनी बड़ी ये सफलता है, उतनी ही खूबसूरत है इस बेटी की निजी जिंदगी, जहां पति बच्चों की परवरिश से लेकर मैरी के हर कदम पर आगे खड़े नजर आते हैं। So you have to ready for a fight, is it? So, boom. अभावों में रहने वाले दूसरे बच्चों के लिए वे बॉक्सिंग एकेडमी चला रही हैं, तो खुद 2016 के ओलंपिक के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। 31 साल की उम्र में 5 बार विश्व मुक्केबाजी की चैंपियन और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इस बेटी को भारत सरकार ने खेल के सर्वोच्च पदों से नवाजा है, तो हम भी गर्व से कह रहे हैं, ये बेटी देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। जो लोग बेटियों को बेटों की तुलना में कमजोर मानते हैं, उनकी सोच को मैरी कॉम ने अपने मुक्कों के प्रहार से चारों खाने चित कर दिया है। इस बेटी ने साबित कर दिखाया है कि किसी भी क्षेत्र में देश की बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं, बस जरूरत है उन्हें एक मौका देने की। कल हम आपको मिलवाएंगे दिल्ली की एक ऐसी बेटी से जिसने गलियों में अचार बेचने से शुरुआत की, लेकिन आज 4 कंपनीज की मालिक है। बस आप देखना न भूलें, आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।